डिवोटी ट्रेवल्स टू शो कंपैशन। भक्त जन जो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो क्यों ट्रेवल करते हैं इन स्पाइट ऑफ उनका जो है बहुत सारा डिफिकल्टी को फेस करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ताकि दूसरे जीवात्माओं का उद्धार हो। श्लोक इस प्रकार से है, जनस्य कृष्णान् विमुक्तश्च दैवान् अधर्मशीलस्य सदुन्तितश्च अनुग्रहयः चरन्ति तूनां भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जो ग्रेट डिवोटी होते हैं वो क्या होते हैं? भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। और वो अपने हृदय में भगवान का जो संदेश है, इस संदेश को लेकर कहाँ जाते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। किनके लिए जाते हैं? ताकि जो जीवात्मा भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान से विलग हो गए हैं, उनका क्या कर सके? उद्धार कर सके, उनको जो है भगवान के धाम लेकर जा सके, या उनको भगवान से रिकनेक्ट कर पाए, भगवान के साथ उनके संबंध को स्थापित जो है कर पाए, जागृत जो है कर पाए। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, ये दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए ताकि जो जीवात्मा की भगवान को भूल गए हैं, जिसके कारण वो सफरिंग में है। और तो मैं पर कृपा तात्पर्य बताते हैं कि स्वाभाविक होता है, क्या करें? भगवान की आज्ञा का पालन करें। लेकिन ड्यू टू रेवेलियस नेचर, विद्रोही स्वभाव के कारण हम जो है भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। और ये ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि ड्यू टू आवर पास्ट कर्मा, हमारे जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, हमारे पास्ट कर्मा जो होते हैं, जिस कारण से भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है, भगवान का जो आदेश है, उसको हम पालन नहीं करते हैं। अगर हम पालन करते हैं, अगर हम भगवान के आदेशों के अनुसार चलते हैं, इफ वी लिव्स आवर लाइफ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड, जैसे भगवान ने बताया, वैसे अगर हम अपना जीवन बिताते हैं, देन वी विल बिकम हैप्पी, हम जो खुश रह पाएंगे, एंड वी विल फील अनलिमिटेड हैप्पीनेस, हम जो आप खुशी जो है मिलेगी, एंड यू विल बिकम पीसफुल, हम शांत जो है रह पाएंगे। लेकिन ड्यू टू मेटेरियल नेचर, ड्यू टू रिवेलियस नेचर, विद्रोही स्वभाव के कारण, ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिजायर, इतनी सारी इच्छाएं जो कि हमारी पूरी नहीं होती हैं, इस कारण से हम जो है क्या होते हैं कि भगवान के जो सिद्धांत है, जो नियम, उसका पालन नहीं करते हैं। और इसी कारण से इतना सफरिंग जो आता है, ये जो दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन टू फील दिस सफरिंग, मटेरियल वर्ल्ड इस तरह से डिजाइन किया गया है, हमें पग पग पे क्या है दुख जो महसूस होता है ना, पग 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 पे क्या है दिक्कत जो है आती है, समस्याएं जो है आती हैं। तो इस प्रकार से तरह तरह की समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी क्या अपने मन बुद्धि अपनी सोच के कारण ही व्यक्ति जो है परेशान रहता है। उसके बाद ये चार प्रकार के मुक्त और भी बस जाते हैं, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। इफ एनीवन हैज गॉट बॉडी, ही हैज सफर फ्रॉम बॉडी, बॉडी मींस द बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, एंड फाइनली यमराज। तो इस प्रकार से अगर किसी मटेरियल, किसी भी ये व्यक्ति को भौतिक शरीर जो मिला हुआ है, उसको यहाँ पे सफरिंग जो है मिलेगा ही। जैसे कि ये जो भगवद्गीता में पहले भगवान ने बता दिया है कि ये जो भगवद्गीता कैसे दुखालयम, ये जो संसार है कैसे है दुखालयम और असाशोकम, ये दुखों का घर है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर लाइब्रेरी में जाता है, पुस्तकालय में जाता है, तो वहां पे क्या मिलेगा? पुस्तकें ही पुस्तकें मिलेंगी। अगर कोई व्यक्ति गौशाला में जाता है, वहां पे क्या मिलेंगे? गाय ही गाय मिलेगी। उसी प्रकार से ये मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, दुख है, यहाँ पर तरह तरह से दुख जो है मिलता है, एक दुख जाता है और उसके साथ कई और दुख जो है आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्यों होता है? हमारे विद्रोही स्वभाव कारण होते हैं, क्योंकि हम जो है भगवान की बातों को मानते नहीं है, भगवान के इंस्ट्रक्शन को सुनते नहीं है, इस कारण से ये जो है प्रिजन हाउस जो है बनाया जाता है। मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक प्रिजन हाउस। किसके लिए बनाया गया है? दोज हु आर रेबेलियस नेचर, जो विद्रोही स्वभाव के हैं उनके लिए। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पर जो भक्त होते हैं, जो डिवोटी होते हैं, वो क्या करते हैं? दे ट्रेवल्स, वो जो है जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। और इस कारण से वो क्या करते हैं, वो जो जीवात्मा जो कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इसलिए भक्तों का स्वभाव होता है पर दुखी दुखी, जब वो दूसरों को दुख में देखते हैं तो खुद भी जो है दुखी हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने दुख की परवाह किए बिना
वो अलग 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 जाते हैं ताकि दूसरे जीवात्माओं का उद्धार जो है हो सके, जिससे वो भी क्या है जो उनका नेचुरल जो कॉन्सियसनेस है, जो नेचुरल जो उनका पोजिशन है, कृष्णा कॉन्सियसनेस जो वास्तविक उनका स्वरूप है, उसमें जो स्थित हो सके और भगवान के धाम जा सके, जहाँ पर किसी प्रकार का सफरिंग, किसी प्रकार का कष्ट जो है नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने हृदय में भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है उस आदेश को लेकर जाते हैं। किनके पास जाते हैं? जो संसार में जीवात्मा भटक रहे हैं, जो बहिरंगा शक्ति का अधीन है, जो व्यक्ति जो है भगवान से विमुख हो चुके हैं, भगवान को बुला चुके हैं, जो जिन जिनके भगवान जो है क्या असली जो है स्वामी, असली पिता है, असली संरक्षक है, उनको जीवात्माओं ने क्या किया है, भुला दिया है, जिस कारण से भगवान से बहिर्मुखी होने के कारण दुख जो पाते हैं, कष्ट पाते हैं। यहाँ पर देखिए अर्जुन जो है जब तक भगवान से विमुख रहते हैं, यानी अपने दृष्टि से सेना को जो है देखना चाहते हैं, है ना, कौन कौन उनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, और जब तक जब वो देखते हैं आर्मी को देखते हैं कि कौन कौन उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और इवन कि वो कहते हैं कि मैं युद्ध जो है नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे वो क्या होते हैं भगवान की तरफ मुख करते हैं, भगवान उनको ज्ञान देते हैं, तो फिर युद्ध जो है करते हैं। तो इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं, गुरु जो होते हैं भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो आते हैं किसका, भगवान का संदेश लेकर आते हैं, और उस संदेश को जैसे उसमें कुछ डेविएशन नहीं आता, वो बिल्कुल ऐसे संदेश को लेकर आते और दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनका उद्धार जो है हो सके। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के जो लास्ट स्टेंजा है उसमें बताते हैं कि वन हु इज मटेरियली मोटिवेटेड, जो मटेरियली मोटिवेटेड व्यक्ति है, मटेरियली इंडल्ज व्यक्ति है, जो तरह तरह से सफरिंग जो है सफरिंग में फंसे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का लाभ जो उठाना चाहिए, ऐसे संतों का लाभ जो उठाना चाहिए, उनके एसोसिएशन का लाभ उठाना चाहिए, अपने जीवन को बदलना चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो साधुओं का जो संगत है, दैट इज द ग्रेटेस्ट बून, ये सबसे बड़ा जो है वरदान है जीवन में, बिकॉज ये भी जब हम साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, देन आवर लाइफ विल बिकम चेंज, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी आवर कॉन्शियसनेस विल बी प्यूरिफाई, आवर लाइफ विल बी चेंज। तो इस तरह से हमें भक्तों का संग करना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर भक्तों का संग करता है तो उससे क्या होता है, जितनी प्रकार की उसकी मानसिकता बनी हुई है, वो भौतिक जो मानसिकता बनी हुई है वो धीरे धीरे चेंज जाती है। तो इस तरह से जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, है ना, जिसमें भक्त लोग जो है जाते हैं अलग अलग जगह जाते हैं और क्या करते हैं, जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए अपने जो कंफर्ट्स है उसको त्याग कर वो क्या करते हैं, दूसरों का उद्धार भी करते हैं। इसमें आता है चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं और वहां पर क्या करते हैं, सभी भक्तों से, सभी पहले सभी भक्तों से परमिशन लेते हैं कि वो जो है कहाँ जाना चाहते हैं, साउथ इंडिया जाना चाहते हैं। उनके जो बड़े भाई जो विश्वरूप, जो कि संन्यास पहले उन्होंने ले लिया था, तो वो सभी भक्तों से कहते हैं कि मैं जो विश्वरूप को जो है ढूंढने के लिए जो है जा रहा हूँ। ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु को पता होता है जो विश्वरूप है वो तो पहले शरीर जो है त्याग चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हृदय में कंपैशन रहता है, किसके लिए कंपैशन रहता है, साउथ इंडिया के जो भक्तगण है ना, उनको जो है ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए कंपैशन रहता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु योजना बनाते हैं, है ना, कि वहां से जो है जाए। और उसके बाद वहां पर एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट आता है कि वास्तव में हु इज आवर रियल फ्रेंड, कौन हमारा रियल फ्रेंड है, जो व्यक्ति हमें कृष्ण के क्लोज लेके आता है, और रियल फ्रेंड इज वन हु ब्रिंग्स अस क्लोजर टू लॉर्ड कृष्ण, वास्तव में वही हमारा रियल फ्रेंड है जो कि हमें क्या है कृष्ण के करीब जो है लेके आता है। तो इस तरह से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्लानिंग करते हैं कैसे जो भक्तगण है तो कैसे कृष्ण को और करीब जो है लेके आ जाए। तो इसीलिए क्या करते हैं, सभी भक्तों से वहां पर परमिशन जो है लेते हैं, मैं साउथ इंडिया टूर जो जाना चाहता हूँ, और उसके बाद अब सब भक्त जो है उनके साथ तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, है ना। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सबको क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, अफेक्शनेट, बहुत ही प्रेम क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले जो है जाना चाहते हैं ताकि और लोगों का उद्धार हो सके। तो नित्यानंद पुरुष सबसे पहले कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपके साथ जो चलूंगा,
और विद्यानंद तू कहते हैं कि मैंने ना जो है साउथ इंडिया में जो होली प्लेसेज है वो मुझे सारा रूट भी पता है, रास्ता भी पता है, सब कुछ मैंने देखा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जब संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद मैं तो वृंदावन जा रहा था, और आपने जो ऐसा प्लानिंग किया, ट्रिक मेरे साथ किया कि मेरे को जो है गंगा जी को बता दे कि ये जो है यमुना जी है, है ना, और इस तरह से द्वैताचार्य के घर में जो लेके गए। जब संन्यास धारण करने के बाद मैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी आ रहा था तो मेरा जो दंड है उसको जो है आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु को कहते कि नहीं आप तो मेरे साथ जो नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अलग अलग भक्तों को क्रिटिसाइज जो है करते चैतन्य महाप्रभु, और वहां पर जगदानंद पंडित के लिए कहते हैं कि जो जगदानंद पंडित है वो क्या है, मेरे को बॉडली कम्फर्ट जो है प्रदान जो है करना चाहते हैं, जो मुकुंद है वो मैं जो ऑस्टेरिटी करता हूँ, तपस्या करता हूँ, तो उनको बहुत जो है कष्ट जो है होता है। तो इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु सबको जो है मना करते हैं। उसके बाद जो सभी भक्त हैं वहां पर नित्यानंद प्रभु के कहते हैं कि आप जो है जब अकेले जाएंगे तो आप जो है दोनों हाथों को उठाकर कीर्तन करते हैं, है ना, तो आपका जो कमंडल है ना, वस्त्र जो वो कौन लेकर जाएगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है, आप जो है हमें लेके नहीं जाना चाहते, लेकिन एक नए भक्त को, ये काला कृष्ण दास है, इनको अपने साथ जो है लेकर जाए ताकि आपका सामग्री जो है लेकर जा सके। तो इस तरह से फिर चैतन्य महाप्रभु इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग हमें यहाँ पर लेसन मिलता है कि ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु किसी को लेके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भक्तों का क्या कंसर्न था, भक्तों का कंसर्न था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा जो हो। इवन इन डिसअपॉइंटमेंट और डिवोटी ओनली थिंक्स ऑफ हाउ टू बेस्ट सर्व द लॉर्ड, इवन इन डिसअपॉइंटमेंट और डिवोटी ओनली थिंक्स ऑफ हाउ टू बेस्ट सर्व द लॉर्ड। इवन की जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कैसे भगवान की जो है सेवा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो खुद ही जो है सेवा करें। चैतन्य महाप्रभु तो सबको मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो नित्यानंद प्रभु है और जो डिवोटी है वो ये प्लानिंग करते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु का अच्छी तरह से सेवा जो है हो, और इस तरह से फिर वो काला कृष्ण दास को जो है भेजते हैं। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के साथ सभी भक्त जो वहां पर आते हैं, अलारनाथ तक आते हैं, और भगवान के साथ बहुत ही विरह होता है सभी भक्तों का। एक बहुत सुंदर यहाँ पर स्टेटमेंट आता है, द पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर हिज बिलव्ड डिवोटी टू टॉलरेट इवन फॉर ए शॉर्ट व्हाइल। भगवान के साथ जो विरह होता है उसको भगवान के साथ विरह को महसूस करना है और सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है ना, इवन फॉर ए मोमेंट। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, विरह में भी क्या करते हैं, भगवान का हमेशा स्मरण जो है करते हैं, हमेशा भगवान को याद करते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु फिर झारखंड के जंगलों से होते हुए साउथ इंडिया जो है जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, अलग अलग भक्तों का उद्धार जो है करते हैं। तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर पे जाते हैं तो वहां पर वास्तव में एक और बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, इवन की चैतन्य महाप्रभु तो उस टाइम जो भगवान है ना, लेकिन यहाँ पर भक्त के रूप में आए हैं और यहाँ पर क्या करें, जीवात्मा को उद्धार करने के लिए यहाँ पर जो है जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण या कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव होते वो क्या करते हैं, मर्सीफुली किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं और उनकी कृपा से किसी भी व्यक्ति को ये कृष्ण प्रेम जो है मिल सकता है, और वो व्यक्ति फिर क्या कर सकते हैं, आगे कृष्ण का प्रचार जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में जब जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है उसको, स्पिरिचुअल पोटेंसी को नवदीप में वो नहीं सो करते, लेकिन वो कहाँ पर जाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं और अपना जो आध्यात्मिक जो पोटेंसी है वो दिखाते हैं और बहुत सारे लोगों को भक्त जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर एक और हमें इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन मिलता है कि हो सकता है कि कई बार कोई प्लेस जो है वो अनफेवरेबल हो प्रीचिंग के लिए। इफ पीपल एट वन प्लेस आर अनफेवरेबल टू प्रीच टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्सर्ट, इट्स बेटर टू गो वेयर द सिचुएशन इज मोर फेवरेबल।
हो सकता है कि कई कई एक जगह जैसे भक्त प्रचार कर रहे हैं लेकिन वहां पर कोई सुन नहीं रहे, तो हमें जो क्या करना चाहिए, दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए, दूसरे जगह जाना चाहिए और वहां पर प्रचार जो करना चाहिए। कलयुग जो है, कलयुग में कभी भी प्रीचिंग का मार्केट जो डाउन नहीं होगा। आप देखेंगे ना यहाँ पर अलग अलग तरह के जो मार्केट्स है वो डाउन जो हो जाए, हर तरह के मार्केट जो डाउन होंगे लेकिन जो प्रीचिंग का मार्केट है वो डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं डाउन होगा? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति जो सफर कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो है कष्ट पा रहे हैं और कष्ट जो है जैसे जैसे टाइम बीतता है, समय बीतता है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता है और वैसे वैसे दुख का वृद्धि भी जो है होने लगता है। तो इसीलिए कलयुग में जो है प्रीचिंग तक कभी भी जो अपॉर्चुनिटी कम जो है नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कई बार ऐसा होता है, कई बार अद्भुत भक्तों को बहुत प्रयास करते हैं कि वो लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में आए, वो लोग जो है भागवतम आकर जो है सुने। ऑल दीज थिंग्स आर फॉर देयर बेनिफिट बट ड्यू टू इग्नोरेंस दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर ऑन बेनिफिट है, उनके लाभ के लिए है लेकिन वो अपना लाभ ही जो व्यक्ति जो नहीं देख पाते कि उनका क्या जो लाभ है। तो उस केस में हमें जो है क्या करना चाहिए, बहुत दुखी नहीं होना है। यस, वी शुड प्रे फॉर देम, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, साथ ही साथ हमें और दूसरे भक्तों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो जो और भी होंगे बहुत सारे जीवात्मा है जो कि सिंसियर फोर्स है ना, तो इस तरह से हमें उनको सर्व करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अपना स्पिरिचुअल पोटेंसी को नहीं दिखाते, साउथ इंडिया में जाते हैं और वहां पर स्पिरिचुअल पोटेंसी दिखाते हैं और वहां पर प्रचार करते हैं। तो वहां पर जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पर जाते हैं कुर्म क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर एक कुर्म ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं और कुर्म ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु की बहुत अच्छी तरह सेवा करते हैं और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पहले उनकी चैतन्य महाप्रभु की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना, कि आप इतने कंपैशनेट हैं कि यू हैव ट्रेवल्ड ऑल अलोंग फ्रॉम जगन्नाथपुरी टू साउथ इंडिया टू डिलीवर माय सन, मेरा उद्धार करने के लिए आप जो है आए हैं एंड नाउ आई कैनॉट, मैं आपसे अब दूर जो है नहीं रह सकता, फिर मैं आपके साथ जो है चलना चाहता हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, ऐसा वो बात है ना स्टेटमेंट, स्टे होम स्प्रेड होली नेम, आप जो घर पर रहिए और क्या करिए हरि नाम का वितरण जो है करिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है नियमित रूप से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है एंड क्या करता है इस भगवद्गीता भागवतम को पढ़ता है तो ये जो मेटेरियल लाइफ है ना, ये जो मेटेरियल लाइफ है वो भी क्या करेगा, उनको ऑब्स्ट्रक्ट जो है नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और वास्तव में कोई भी नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ता है, भगवान का नाम लेता है, तो ऑब्स्टेकल जो है मेटेरियल लाइफ भी वो ऑब्स्टेकल जो है बाधा जो है वो बनेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे जीवन में बाधा है, बाधा तो है ही, देखिए मेटेरियल लाइफ जो है चाहे फैमिली लाइफ हो या मेटेरियल लाइफ में किसी भी आश्रम में हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ एनी आश्रम, डिफिकल्टी तो है ही। तो इस तरह से बताते हैं कि कोई भी अगर आश्रम में हो वो हो सकता है कि कितना भी कंफर्टेबल हो, कितना भी आपका प्रॉस्परस लाइफ हो, इट इज इनहेरेंटली मिजरेबल एंड इनटॉलरेबल विदाउट भक्ति। एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ कंफर्टेबल एंड प्रॉस्परस मेटेरियल लाइफ, इट इज इनहेरेंटली मिजरेबल एंड इनटॉलरेबल विदाउट भक्ति। आप जो कितने कंफर्ट में जो है जीवन बिता रहे हैं या कितना आपका प्रॉस्परस ऐश्वर्यपूर्ण जो है लाइफ हो, वास्तव में ये मिंट किसके बनाया, किसके लिए क्या है, मिजरीज के लिए, आपको मिजरीज तो मिलना है, मिजरीज से आप नहीं बच सकते। और वास्तव में ये जो है असहनीय होता है अगर कोई भक्ति से विमुख हो जाता है, अगर कोई भक्ति करता है तो वो बहुत अच्छी तरह से जो है जीवन बिता पाता है, लेकिन अगर विदाउट भक्ति इट इज इनटॉलरेबल, बहुत असहनीय है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी हाउस होल्डर भी है, गृहस्थ भी है, लेकिन वो क्या करते हैं, चैंट करते हैं, ही चैंट निरपराध होकर क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं एंड इंस्पायर्स अदर्स टू चैंट, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका दुख जो है, मिजरी जो है कम हो जाता है। तो इफ वी वांट टू डिक्रीज अवर मिजरी, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चैंट, वी हैव टू चैंट more sincerely and you have to serve Vaishnava, you have to read these scriptures on regular basis,
हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे इन शास्त्रों का अध्ययन जो है करना पड़ेगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह जाते हैं। वहां पर एक ब्राह्मण होते हैं वासुदेव विप्र, तो वो जो है उनको क्या होता है कोढ़ का जो है रोग होता है, और वो उनको जैसे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं पूर्व ब्राह्मण के यहाँ, तो वहां पर आते हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए। वासुदेव जो विप्र होते हैं इनको जो कोढ़ का रोग होता है, तो बहुत सारे ना कीड़े जो होते हैं शरीर में, पूरे शरीर में बहुत सारे कीड़े होते हैं, और इतने कंपैशनेट होते हैं, इतने दयावान होते हैं कि अगर उनके शरीर से कोई कीड़ा जो है नीचे गिर जाता है तो उठाकर फिर अपने शरीर में वहीं पे जो है रख देते हैं, है ना। तो इस तरह से जब वहां पर वो जाते हैं, तो वहां पर जैसे जाते हैं पूर्ण ब्राह्मण के यहाँ, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी वहां से जा चुके होते हैं। तो यहाँ पर तो ये जो वासुदेव विप्र होते हैं बहुत दुखी होते हैं, भगवान की वीरा में भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, है ना, और फिर सोचते हैं मेरे जीवन का जीने का क्या फायदा है कि मैं भगवान का दर्शन जो है नहीं कर पाया। तो इस तरह से जैसे ही वो विलाप कर रहे होते हैं उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ जाते हैं और उसके बाद उनका आलिंगन करते हैं, और उनका जो शरीर जो कोढ़ था लेप्रोसी था वो सारा जो खत्म हो जाता है, और उनका सुंदर शरीर के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत सुंदर यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि वेयर एवर द लॉर्ड मे बी, अब भगवान तो वहां चले जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां चले जाते हैं, लेकिन तुरंत जैसे वो विलाप करते हैं याद करते हैं भगवान वहां पर फिर दोबारा जो आ जाते हैं। Wherever the Lord may be, He is always accessible to their devotee. He is always accessible to His devotee who consider Himself their life and soul. अगर कोई व्यक्ति जो भगवान को ही अपना जीवन और अपनी आत्मा मानता है, भले भगवान का ही हो लेकिन भगवान जो है उस व्यक्ति के लिए उपस्थित रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते हैं, ऑलरेडी भगवान वहां पर नहीं होते हैं लेकिन फिर भगवान जैसे ही भक्त उनको याद करते हैं भगवान वहां पर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना जीवन और प्राण जो है किसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं। तो इस तरह से उसके बाद फिर क्या होता है, जब उनका शरीर जो बहुत ही सुंदर उसमें बन जाता है, तो फिर वासुदेव विप्र जो है कहते हैं कि अब जो है मेरे को क्या हो सकता, अहंकार जो है आ सकता है, पहले तो विनम्रता था लेकिन अहंकार जो आ सकता, तो मैं इस अहंकार से कैसे खेलूं। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं वासुदेव विप्र को, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन कैन ओवरकम प्राइड। अगर कोई भी व्यक्ति जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो ये जो अहंकार की भावना, अहंकार की प्रवृत्ति है जो हमें भक्ति से दूर लेकर जाती है, तो ये इसको भी क्या कर सकते, ओवरकम जो है कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि चैंटिंग करने से हम जो है कितनी प्रकार कितना लाभ है भगवान के नाम का जप करने का। तो इस तरह से जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना बहुत ही कंसर्न रहते हैं, किसी कंसर्न रहते हैं, वो कंसर्न रहते हैं कहीं उनका फॉल डाउन जो ना हो जाए, वो अपने पद से भक्ति जो कर रहे हो तो नीचे जो ना गिरे। यहाँ पर वासुदेव जो है विप्र है, इनको ये रहता है कहीं उनको अहंकार की भावना जो है ना आ जाए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा प्रेयरफुल मूड में रहते हैं, है ना, जिससे कभी भी उनका पतन जो है ना हो जाए, वो बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं कि कभी भी उनका भक्ति के पद से उनका जो कॉन्शियसनेस है वो दूषित है ना हो जाए, अपने पद से नीचे जो है वो ना गिर जाए, सेवा की भावना से नीचे जो है ना आ जाए। एंड जब तक कि हम क्या रहेंगे, प्रेयरफुल मूड में रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, देन वी बिकम प्रोटेक्टेड, हम लोग सुरक्षित जो है रहेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं, रामानंद राय से मिलते हैं, रामानंद राय से गोदावरी के तट पर मिलते हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारा वहां पर वार्तालाप होता है, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, रामानंद राय उनका उत्तर दे देते हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण वहां पर भक्तों से जो है मिलते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु क्यों ट्रेवल कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है इवेंटली ऑल्दो जगन्नाथपुरी में हर रोज जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, है ना, उसके बाद जो है भक्तों का वहां पर इतना जो संग है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु दया दिखाने के लिए, है ना, ताकि दूसरे जीवात्माओं को उद्धार जो हो सके, इसके लिए वो जाते हैं कहाँ, साउथ इंडिया जो है जाते हैं। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जो है वृंदावन में होते हैं, है ना, शिला प्रभुपाद जो है वृंदावन में है, ब्रज भूमि में है, हर रोज भगवान का दर्शन करते हैं, है ना, वहां पर, लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद का क्या प्लानिंग होता है, क्या योजना होता है,
इनके गुरु ने आदेश दिया होता है, और आदेशों का पालन करने के लिए, दूसरे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ भी इतना नहीं होता कि टिकट का भी पैसा जो हो, है ना, लेकिन फिर भी वो प्लानिंग करते हैं, भागवतम का अनुवाद करते हैं कि अमेरिका जाने के लिए प्लानिंग जो है करते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि दूसरे जीवात्माओं का उद्धार जो है हो सके। जैसे अभी हम लोग जो मंगलवार को जो क्लास हम लोग ये देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु जी से सुनते हैं कि शिला प्रपात कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे रसिया जाते हैं, कैसे जब अमेरिका जब जाते हैं कैसे उनको जहाज में, है ना, उसमें जो है कार्गो जो सीप होता है उसमें दो बार हार्ट अटैक जो है आता है, फिर जब वहां पर अमेरिका में जाता है तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जो मायावादी है उनके साथ में रहना पड़ता है प्रपात से, लेकिन फिर भी प्रपात जो है टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, किसके लिए सहन करते हैं, हम लोगों के लिए सहन करते हैं। तो इस तरह से फिर जो है शिला प्रपात कैसे टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, और जो हिप्पी जो होते हैं उनको भी हैप्पी बना देते हैं। उसके बाद शिला प्रपात अलग अलग जगह जाते हैं, रसिया जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, है ना, अलग अलग ये हम लोग देखते हैं कैसे हर जगह जाते हैं, तो प्रीचिंग इतना ही सिंपल नहीं है, हर व्यक्ति जो है वो ऐसे नहीं कि सिंपली जो कृष्णा को जो एक्सेप्ट करने के लिए जो तैयार होते हैं। तो इस तरह शिला प्रपात जो है इतना सब चीज को टॉलरेट करते हैं, इसलिए ठीक उनके हृदय में दया है, जो जीवात्मा है जो कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उनके लिए दया है कि कैसे दुख से जो निकल सके। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वास्तव में उनका क्या हित है, क्या उनकी चीज में उनका बेनिफिट जो हो सकता है, किसके लाभ जो हो सकता है। तो इस तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं, जो कि आज का टॉपिक है, ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद सो कंपैशन, उनके हृदय में दया होता है, इस कारण से वो दूसरों को कष्ट की स्थिति से निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रेवल जो है करते हैं। शिला प्रभुपाद जो है 70 साल की उम्र में जाते हैं अमेरिका, है ना, और वहां पर इतने सारे जो लोग जो कष्ट पा रहे हैं जिनको क्या करते हैं, हृदय जो उनका बदल जाता है और वो भक्ति को स्वीकार जो है करते हैं। तो इस तरह से उनका कम्फर्ट जोन से वो क्या होते हैं, कम्फर्ट जोन से बाहर जो है निकलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लॉर्ड्स मर्सी, अगर हमें भी भगवान की मर्सी को अट्रैक्ट करना है, अगर हमें भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन, हमें जो है कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना, दूसरे लोगों को खुद भी सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, दूसरों को भी कृष्ण प्रेम जो प्रदान करना पड़ेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पर जो है बताते हैं, जो है पूर्व ब्राह्मण को बताते हैं कि आप ये क्या करिए, ये जो है एक्सेप्ट करिए, कैंटिंग करिए और साथ ही साथ दूसरों गुरु जो है बनिए, यानी दूसरों को भी क्या करिए, कृष्ण प्रेम प्रदान जो है करिए। तो इस तरह से हम भी जो है अगर क्या कर, कैसे हम कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकते हैं या कृष्ण को मर्सी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, देन वी लीव आवर कम्फर्ट जोन, हम कम्फर्ट जोन से बाहर आएंगे और दूसरे लोगों को कृष्ण प्रेम, कृष्ण के बारे में बताएं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, किस लिए ट्रेवल करते हैं, दूसरों कंपैशन, दूसरों को उद्धार करने के लिए ट्रेवल जो है करते हैं। तो इस तरह से हमें शिक्षा जो है ग्रहण करना चाहिए, हमें जो प्रयास करना चाहिए कैसे दूसरे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बना सके, कैसे दूसरे लोगों को कृष्ण से कनेक्ट कर सके, क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति को कृष्ण से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, ये जो है क्या है, सबसे वेलफेयर जो एक्टिविटी है,